अस्सलाम वालेकुम, होपफुली एवरीवन इज डूइंग फाइन। आज की वीडियो रिलेटेड टू प्रोडक्ट हंटिंग है कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आइडियाज़ कहाँ से लाएं, बिकॉज काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स देखी है, कोई लोग परेशान हैं, कमेंट्स करते हैं कि हमने हज़ारों प्रोडक्ट्स अमेजोन पे देख ली हैं या हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स देखी हैं, बट हमें कोई अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिल सकी, सो वी आर स्टक और हम कुछ लोग तो गिव अप भी कर चुके हैं। तो अमेजोन पे हंड्रेड्स नहीं करोड़ों प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन पे। हमारा इशू क्या है कि हम जस्ट रैंडम प्रोडक्ट्स देखते हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रही होती हैं, लाइक शूज से रिलेटेड कोई चीज़ देख ली, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई देख ली, जिम से रिलेटेड इस तरह की चीज़ें हम देख लेते हैं जो नॉर्मल लाइफ में यूज़ होती हैं, ग्लास प्लेट्स वगैरह, टेबल मैट्स वगैरह, जिनके स्टैटिस्टिक्स होते ही बहुत ज़्यादा हैं और हम वहाँ पे गिव अप कर देते हैं कि यार और कोई प्रोडक्ट अमेजोन पे है ही नहीं, दुनिया में जैसे कोई और प्रोडक्ट है ही नहीं। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं जहां से आप लोगों को पता चले कि यार अमेजोन पे करोड़ों प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ आपको कहां से मिलेंगे, इतने ज़्यादा आइडियाज़ आपको मिलेंगे एंड आई होपफुली वो यूज़ करके आप लोग अच्छी प्रोडक्ट्स हंट करने में कामयाब हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, आप लोगों के साथ शेयर भी किया गया है, और टूल्स जो हम यूज़ करते हैं वो जंगल स्काउट और हीलियम 10 है, सो हम उनकी बात करने नहीं जाएंगे। दिस वीडियो इज़ मोर लाइकली जस्ट फॉर गेटिंग प्रोडक्ट आइडियाज़। तो amazon.co.uk में आया, यूके मार्केट के लिए मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मैंने amazon.co.uk ओपन किया। सबसे पहली चीज़ मैंने काफ़ी लोगों को देखा है उनको रिजल्ट ठीक नहीं शो होते, बिकॉज यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान उन्होंने किया हुआ होता है, amazon ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है आपका आईपी से आपकी लोकेशन। तो हमने यहाँ पे उसको बताना होता है यार हम अगर amazon.co.uk पे सर्च कर रहे हैं, सो वी वॉन्ट रिजल्ट डैट यू शो टू amazon UK बायर्स के, UK के जो लोग आगे amazon.co.uk पे सर्च करते हैं, हमें वैसे रिजल्ट शो करो, हमें पाकिस्तान से नहीं प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं डिलीवर टू पर जाके हमेशा जिस भी कंट्री, जैसे UK मार्केट प्लेस है, मैं UK के किसी भी सिटी का यहाँ पे कोड दे दूंगा। अगर मैं amazon.com पे सर्च करने जा रहा हूँ तो मैं USA के किसी भी सिटी का यहाँ पे कोड दे दूंगा। अब कोड मिलते कहाँ से हैं, सिंपल आप जाके गूगल पे लिखे मैनचेस्टर पोस्टल कोड। अब मुझे पता है कि मैनचेस्टर जो है वो यूके का सिटी है, ठीक है, तो ये इसका एक कोड ये आ गया, जिप कोड, मैं इसको कॉपी करूंगा और सिंपल डिलीवर टू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करके अप्लाई कर दूंगा, डिलीवर टू मैनचेस्टर आ रहा है, ठीक है। अब हमें रिजल्ट जो है वो ठीक से होंगे जैसे अमेजोन के बायर्स को होते हैं, यूके के लोगों को होते हैं। तो अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे फर्स्ट मैंने कुछ बनाए हुए हैं यहाँ पे नोट्स वगैरह, प्रोडक्ट रिसर्च मैटर्स हैं, 5 से 6 मैटर्स हैं, वन बाई वन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट नंबर पे जो है प्रोडक्ट रिसर्च मेथड, गो टू अमेजोन एंड स्टार्ट टाइपिंग एनीथिंग एनी लेटर इन सर्च बार एंड सी व्हाट अमेजोन वांट्स टू ऑटो कम्प्लीट इट विद। दिस शोज यू व्हाट पीपल आर यूजुअली सर्चिंग फॉर एंड इफ पीपल आर सर्चिंग फॉर इट देन दे प्रोबेबली वांट टू बाय टू। आप जाके रैंडमली कोई भी वर्ड्स ऐड करते हो अमेजोन पे, अमेजोन ने जो उसके पास हिस्ट्री बनी होती है कस्टमर की सर्च टर्म्स की, जो कस्टमर सर्च कर रहे हैं उस हिसाब से आपको आगे सजेशंस दे देता है, कीवर्ड्स की सजेशंस दे देता है, तो आप उनको चेक कर सकते हो क्योंकि वही सर्च टर्म्स होती हैं जो लोग आके अमेजोन पे सर्च कर रहे हैं, अमेजोन अपने पास से कुछ भी बना के नहीं दे देता। तो आपको यहाँ से काफ़ी सारे आइडियाज मिल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आके लिखता हूँ एक वर्ड बैम्बू, मैंने बैम्बू लिखा तो अमेजोन ने मुझे दिखा दिया बैम्बू प्लेट्स बेबी हैं, बैम्बू केन्स हैं, बैम्बू टूथब्रशेज हैं, बैम्बू फन स्क्रीनिंग है, स्टीमर है, बैम्बू प्लेट्स हैं, लंच बॉक्स है, बाउल्स हैं, और ये आगे मैंने एक अमेजोन जो है वो तो आपको ये एक ही कॉलम दिखाता है, तो मैंने यहाँ पे एक टूल की हुई है, फ्री टूल है यहाँ पे, अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर के नाम से ये टूल है, AMZ सजेशन एक्सपेंडर, आप लोग भी कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक्सटेंशन में सिंपल आप गूगल पर जाके लिखेंगे AMZ सजेशन एक्सपेंडर क्रोम एक्सटेंशन, तो वो आप लोगों के क्रोम के जो एक्सटेंशन बार है इसमें ऐड हो जाएगी। तो अब देखो यार इतने ज़्यादा उसने रिजल्ट दे दिया, लकी बैम्बू कैमो बैम्बो बैम्बू बाउल बैम्बू फॉक्स बैम्बू फॉर बालकनी और इस तरह के डिफरेंट बैम्बू और कैटरिन यॉर्न, बहुत सी चीज़ें आप लोग दे दी हैं, बैम्बू विद लिड, बैम्बू प्लेट्स, बैम्बू लंच बॉक्सेस, इसी तरह कोई और चीज़ लिख लो आप, स्टेनलेस स्टील लिख लो, मैंने स्टेनलेस लिखा उसने दिखा दिया स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल स्टील केटल क्लीनर बाउल डॉग बाउल ईयर रिंग स्ट्रॉस। मैं आगे आगे दोबारा स्टील के आगे कुछ और लिख देता हूँ, स्टेनलेस स्टील क्लीनर उसने दिखा दिया, मैं पी लिखूंगा, तो उसने स्टेनलेस स्टील पैन पैन सेट पॉट प्लेट प्रोटीन शेकर बैग्स पॉलिश पोस्ट बॉक्स पेडल बिन, इतने रिजल्ट मुझे दिखा रहा है, जो जो मैं लिखते जाऊंगा मुझे उससे रिलेटेड दिखाया जाएगा। मैंने स्टेनलेस स्टील एस लिखा, उसने स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉ दिखा दिए, शावर केटी दिखा दी, सिंक दिखा दिए, सीव दिखा दी उसने,
तो मैं बस चेंज करता जाऊंगा और रिजल्ट ही रिजल्ट मेरे पास आते जाएंगे। मैंने W लिखा है, वाटर बॉटल, वाइन ग्लासेस, वॉशर्स, वुड स्क्रूज, वाइप्स दिखाने शुरू उसने कर दिए, वॉशर्स वाइप्स दिखाने शुरू कर दिया। मैं B लिखता हूँ, स्टेनलेस स्टील बॉटल उसने दिखा दिया, ब्रेड बिन दिखा दिया, बकेट दिखा दिया, बोल्ट दिखा दिए, बेकिंग ट्रेस दिखा दिए। नो यू कैन गेट थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ आइडियाज। अब आपको मेन चीजें तो पता होनी चाहिए यार, मैं बैम्बू का अगर कुछ लिखूंगा तो मुझे वो रिजल्ट दिखा देगा। बैम्बू एस लिखूंगा, बैम्बू स्क्रीनिंग, बैम्बू स्टीमर, बैम्बू सॉक्स उसने दिखा दिया, बैम्बू के आगे एम लिखूंगा, बैम्बू मैट दिखा दिया, बैम्बू म्यूसलिन, बैम्बू मिरर, बैम्बू मग, तो आपके पास हजारों रिजल्ट ऐसे आ जाएंगे। इसी तरह मैं जस्ट बॉथ लिखूंगा आके और स्पेस दूंगा तो बॉट टॉयज आ रहे हैं, बॉट बॉम्ब्स आ रहे हैं, बॉट मैट, स्पंज, प्लग, सॉल्ट, मैट, नॉन स्लिप ट्रे, पिलो, टॉवल। आगे बी लिखता हूँ तो बॉट बॉम्ब्स, बॉट बोर्ड्स, ब्रश, बुक, बॉम्ब सेट, बास्केटबॉल। मैं एफ लिखता हूँ तो बॉट सॉल्ट, स्पंज, सीट। तो आपके पास बहुत ज्यादा आइडियाज आ जाएंगे। आप इनको सर्च करोगे और आप चेक करोगे आपके क्राइटेरिया से मैच कर रही हैं प्रोडक्ट्स या नहीं कर रही। मैच कर रही हैं तो गुड टू गो, पिक इट एंड शेयर विद योर ट्रेनर। और अगर नहीं कर रही तो सिंपल आप और कोई चीज सर्च कर लो। मैंने आपको बताया आप इतने ज्यादा कीवर्ड्स हैं, आप कुछ भी बना के लिख सकते हो यार। मैंने बात किया, मैं स्टेनलेस स्टील किया, मैं बेबी लिखता हूँ, बेबी स्पेस, बेबी टॉयज, बेबी वाइफ, बेबी मॉनिटर, बाथ, गेट, एंड मैं टी लिख दूँ आगे अगर तो बेबी टॉयज, टूथ ब्रश, बेबी टॉवल्स, बेबी टीथिंग टॉय, बेबी टूथपेस्ट, बेबी ट्राइक। तो इतने आगे पास आइडियाज आ सकते हैं, आप उनको चेक करें और सिंपल आपके क्राइटेरिया से मैच करते हैं तो उनको पिक कर लें। सेकंड जो मेथड है वो है जी, गो टू amazon.com बेस्ट सेलर्स एंड लुक थ्रू द बेस्ट सेलर्स, मोस्ट ऑफ दीज आर सैचुरेटेड और कॉम्पिटिटिव, सो गो थ्रू सब कैटेगरीज आफ्टर सब कैटेगरी अनटिल यू लैंड ऑन प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी, फाइंड एन आइडिया फ्रॉम हेयर। बेस्ट सेलर्स क्या होते हैं, amazon ने उन कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उनको उनकी हाई सेल वॉल्यूम की बेस पे, सेल वेलोसिटी की बेस पे बेस्ट सेलर का टैग दे देता है। तो आपको कहाँ मिलते हैं, चाहे आप amazon.com पे जाओ, चाहे यूके पे जाओ, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन शो हो रहा होता है बेस्ट सेलर्स का, न्यू रिलीजेस का भी हो रहा होता है, टूडेज डील्स का भी हो सकता है। आप इन तीनों से आइडियाज उठा सकते हो। हम बात कर रहे हैं बेस्ट सेलर्स की, तो मैं बेस्ट सेलर्स पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे अमेजोन ने मुझे बता दिया ये सारी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, साइट पे मुझे कैटेगरीज भी दिखा रहा है एनी डिपार्टमेंट। मैं कहता हूँ मुझे दिखाओ होम एंड किचन की, तो मैं यहाँ से होम एंड किचन पे क्लिक करता हूँ तो इसने मेरे पास रिजल्ट्स दिखा लिया। कहता है होम एंड किचन में सबसे ज़्यादा सेल हो रही है जो प्रोडक्ट वो ये प्रिट ग्लू स्टिक है, उसके बाद ये टॉयलेट ब्रश डीप क्लीनर सिलिकॉन का, उसके बाद ये नाइफ शार्पनर है जी, ये फ्राई पैन है। अब मैं अगर इस पे देखना चाहूँ, मैं सिंपल जंगल स्काउट रन करूंगा और जंगल स्काउट मुझे दिखा देगा फर्स्ट पेज पे ये जो प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हुई हैं बेस्ट सेलर जिनको अमेजोन ने टैग दिया है, इनकी कितनी अर्निंग है, कितनी प्राइस है, कितने रिव्यूज है, सारा कुछ मुझे दिखा रहा है। ये देखें 40,640 पाउंड बना रही है ये फर्स्ट नंबर वाली जो है, सेकंड वाली 54,000, 19,000, 86,000, 1,47,000 पाउंड। बेस्ट सेलर में मैं देखूंगा कौन सी प्रोडक्ट मुझे अच्छी लग रही है, मैं उसको पिक कर लूंगा। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स वही होती हैं जो अच्छी बिक्री होती हैं। ये 3,06,000 पाउंड अर्न कर रही है, ये कौन सी प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक कैटल है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है तो मैं इसको नहीं उठाऊंगा। ये 126 रिव्यूज के साथ वेलकैरो ब्लैक स्टिक ऑन कॉइंस है, इसको ओपन के चेक करते हैं क्या चीज़ है। इसके अलावा 72 रिव्यूज जस्ट, और इसकी सेल कितनी है 96,000 पाउंड। क्या ये जी एप्पल कोरर है, सिंपल चीज़ है, मैं क्या करूँगा इसका एसिन कॉपी करूँगा। एसिन क्या होता है, मैंने आपको बताया था अमेजोन पर जो प्रोडक्ट भी लिस्ट हुई होती है स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है एसिन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टॉप पे भी शो हो रहा होता है, मैं यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ और या फिर इसकी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में जाऊँगा तो यहाँ पे भी एसिन शो हो रहा है इसका, ठीक है। मैं कॉपी करूँगा, हीलियम 10 का टूल है, जंगल स्काउट का सॉरी टूल है, कीवर्ड स्काउट के नाम से। मैं जंगल स्काउट डॉट कॉम पर जाऊँगा, लॉग इन करूँगा, यहाँ पे कीवर्ड स्काउट के नाम से टूल है इसका, मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ से अपना मार्केट चूज करूँगा, यूके का चेक कर रहे हैं ना हम, और उस सेलर का एसिन दे के सर्च पे क्लिक कर दूँगा। जिंगल स्काउट मुझे दिखा देगा कि ये प्रोडक्ट जो मैं सर्च कर रहा हूँ ये कौन कौन से कीवर्ड पे रैंक है या इसका कीवर्ड कौन कौन सा, मुझे वहाँ से भी इतने ज़्यादा आइडियाज मिल जाएंगे। मैं उनको जाके सिंपल अमेजोन पे सर्च करूँगा और जो रिजल्ट आएंगे उसको अपने क्राइटेरिया से मैच कर लूँगा। अभी देखें 17 कीवर्ड जिसने दिखा दिए हैं एप्पल कोरर के नाम से, एप्पल कोरर जो है इसका मेन कीवर्ड है। मुझे पता चल गया ये प्रोडक्ट जो है जो 72 रिव्यूज के साथ 96,000 पाउंड जनरेट कर रही है, इसका कीवर्ड क्या है, एप्पल कोरर। तो मैं इसको सर्च ऑन अमेजोन करूँगा,
एप्पल कलर को, मेरे पास रिजल्ट आ गया, मैं इस पे जंगल स्काउट चलाऊंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे कीवर्ड्स दिखा देते हैं, एप्पल कोरर रिमूवर, एप्पल कोरर्स, ऑक्सो, चेरी पिटर, तो इनके तो सर्च वॉल्यूम कम है, बट आप बाकी जब चेक करेंगे बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं बेस्ट सेलिंग, तो उनमें भी आपको ऐसे ऐसे कीवर्ड्स यहाँ पे मिलेंगे जिनका हज़ारों में सर्च वॉल्यूम है, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं कि अगर वो आपके क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं या नहीं। तो बेसिकली आइडिया क्या था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ मिलें जो आप अमेजोन पर जाके सर्च कर सकें, बिकॉज लोग कहते हैं हमें आइडियाज़ ही नहीं मिलते अमेजोन पर जिनको हम सर्च कर सकें। अब मैंने इसको सर्च किया एप्पल कोलर को, अब मेरे पास जंगल स्काउट जो है वो डाटा फेच करके लेके आ रहा है, सो हियर इट इज़, जंगल स्काउट ने मुझे रिजल्ट्स दिखा दिए हैं। अच्छा जी, फर्स्ट नंबर वाला जो सेलर है वो 3,000 पाउंड बना रहा है, दूसरे वाला 4,000 पाउंड, तीसरे वाला कम बना रहा है, चौथे वाला 3,000, 1,000, 96,000 एंड दैट्स इट। अब अगर आप मुझसे पूछे तो मैं इस प्रोडक्ट को नहीं पिक करूंगा, बिकॉज एक तो उसकी प्राइस कम है, प्राइस कम मतलब प्रॉफिट मार्जिन कम, अगर ये बंदा 3,99 पाउंड की बेच रहा है तो इसने प्राइवेट लेबल भी करना है, चाइना से प्रोडक्ट मंगवानी भी है अमेजोन के वेयर हाउस में, फिर अमेजोन की जो फीसिस हैं वो भी देनी है, तो वट विल बी इस प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पर प्राइस वार चल रही है, मैं इसको पिक नहीं करूँगा। सेकेंड, यहाँ पर रेवन्यू इनकन्सिस्टेंट है, ये एक बंदा अच्छी अर्निंग कर रहा है ऑक्सो जिसको हम चेक कर रहे थे, ये जो ऑक्सो ही है, तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये जो नीश है ये ब्रांड डोमिनेंट है, कि जस्ट ऑक्सो है वो 90% जो सेल है वो 80-90% सेल है वो ऑक्सो पिक करके गया हुआ है, बाकी सारे जो हैं वो कोई 3,000 कमा रहा है, कोई 11 पाउंड कमा रहा है, कोई 1,168 एंड कोई 470, तो दिस इज द ब्रांड डोमिनेंट एज वेल, रिव्यूज अच्छे हैं बट रेवेन्यू भी नहीं अच्छा और प्राइस जो है वो भी प्राइस वार यहाँ चल रही है, तो मैं इसको पिक नहीं करूँगा। बेसिकली आपको आइडियाज़ बताने का कहा गया था कि आइडियाज़ आपको यहाँ से मिलेंगे, इसी तरह आप अमेजोन बेस्ट सेलर्स पे जाते हैं आपको मज़ीद आइडियाज़ मिलेंगे जिनको आप एनालिसिस कर सकते हैं अमेजोन पे जाके। अब होम एंड किचन में मैं गया था, उसमें भी कैटेगरीज आ जाती हैं, बाथरूम्स आ जाते हैं, बेडिंग एंड लिनन्स आ जाते हैं, आर्ट वर्क आ जाता है, किचन एंड होम अप्लायंसेस आ जाते हैं। मैं बाथरूम में गया हूँ तो यहाँ मेरे पास सेपरेट रिजल्ट होने शुरू हो गया, मैं जंगल स्काउट चलाऊंगा उसी तरीके से, जो प्रोडक्ट मुझे अच्छी लगती है उसको ओपन करूंगा, उसका एसिन कॉपी करके यहाँ पे कीवर्ड स्काउट में पेस्ट करूंगा और मेरे पास कीवर्ड के आइडियाज आ जाएंगे, उनको मैं अमेजोन पे सर्च करूंगा। इसी तरह बाथरूम के अंदर भी बहुत ज्यादा आ गए हैं, मैट्स, क्लीनन, एक्सेसरीज, फिक्चर्स, मैं उसमें जाकर दोबारा जंगल स्काउट रन करूंगा, जो सी प्रोडक्ट मुझे अच्छी लगेगी उसको ओपन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे अच्छी लगी है सिलिकॉन टॉयलेट ब्रश है, जो मैं इसका एसिन कॉपी करूंगा, कीवर्ड स्काउट में जाऊंगा, जाके इसका एसिन पेस्ट करूंगा और सर्च कर लूंगा। अब जंगल स्काउट की कीवर्ड स्काउट टूल है, मुझे दिखाएगी कौन कौन से कीवर्ड पे ये प्रोडक्ट जिसका एसिन आप मेरे साथ शेयर कर रहे हो ये वाली रैंक है, तो मुझे प्रोडक्ट्स के और आइडियाज मिल जाएंगे जिनको मैं सर्च कर सकता हूँ। अब इसने इसको पिक नहीं किया, मैं भी देर सम ग्लिच विद जंगल स्काउट, मैं कोई और प्रोडक्ट उठा लेता हूँ। अगर जंगल स्कॉट भी वर्क नहीं करता ना तो आपके पास दूसरा ऑप्शन हीलियम 10 का होता है, बिकॉज सम टाइम टूल्स में ग्लिचेस आए हुए होते हैं। मैं helium10.com खोलता हूँ और इसको लॉग इन करता हूँ, सिंपल इसका टूल है सेरिब्रो के नाम से, लेफ्ट साइड पे बाहर आ रहा है, कीवर्ड सर्च पे क्लिक करता हूँ, सेरिब्रो के नाम से इसका टूल है, उसको ओपन करूंगा और यहाँ से अपना मार्केट चूज करूंगा UK, और यहाँ पे वो एसिन दे दूंगा उस सेलर का। एसिन देने के बाद यहाँ पे गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करूंगा, अब आप देखना इतने ज़्यादा आइडियाज़ मुझे हीलियम 10 देगा कि उनको मैं चेक करके सिंपल देख सकता हूँ कि कोई प्रोडक्ट मेरे क्राइटेरिया को मैच कर रही है या नहीं कर रही। अभी सेरिब्रो पिक करेगा इस एसिन को जो हम सर्च कर रहे हैं, अगर यहाँ पे भी कोई ग्लिच ना हुआ तो हमें बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाएंगे। हेयर इट इज़, 3200 कीवर्ड्स के आइडिया उसने दे दिए हैं, यहाँ पे सर्च वॉल्यूम भी बता रहा है। अगर आपका सर्च वॉल्यूम का कोई खास फिल्टर है, आप बोलो कि यार मुझे ऐसे कीवर्ड दिखाओ जिनका सर्च वॉल्यूम 1800 से ज़्यादा है, बिकॉज यूके में हम 1800 से ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स पिक करते हैं ना, तो अप्लाई पे क्लिक करूँगा, इसने मुझे 122 कीवर्ड्स दिखा दिए हैं इसमें से, जस्ट इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जिसके जिसका सर्च वॉल्यूम 1800 से ज़्यादा है। अब सेरिब्रो क्या करता है, ये जस्ट आपको इस प्रोडक्ट के कीवर्ड भी दिखाता है और इसके साथ साथ इसके एसोसिएटेड कीवर्ड्स भी दिखा देता है, जैसे कि मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, टॉयलेट ब्रश एंड होल्डर सेट्स, इसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं, 2817,
सिलिकॉन टॉयलेट ब्रश 3135 को भी आप चेक कर सकते हो, टॉयलेट ब्रश विद होल्डर, टॉयलेट ब्रशेज। अब हर कीवर्ड के डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं, जो रिजल्ट्स आपके क्राइटेरिया को मैच करते हैं आप उसको पिक कर लेते हो। अब यहाँ पे सॉल्ट बाय आप हाई टू लो भी कर सकते हो, हाई टू लो सर्च वॉल्यूम, हाई सर्च वॉल्यूम वाले ऊपर आ जाएंगे। ये देखें बाथरूम स्टोरेज, टॉयलेट ब्रश विद होल्डर, बाथरूम एक्सेसरी, टॉयलेट रोल होल्डर्स, 41,000 पीपल आर सर्चिंग इट, एंटी बैक्टीरियल वाइप्स, डस्ट पैन एंड ब्रश, टॉयलेट ब्रश, टूथ ब्रश होल्डर्स। अब इतने आइडियाज आपके पास आ गए हैं, नाउ आई डोंट वॉन्ट टू हेयर फ्रॉम यू के हमारे पास आइडियाज ही नहीं है। अब ये जस्ट एक प्रोडक्ट के 122 उसने दिखाए हैं, हजारों प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, लाखों प्रोडक्ट्स हैं बेस्ट सेलर्स में, सब कैटेगरीज में। बेस्ट सेलर्स में आप एक कैटेगरी चूज करते हो, उसके बाद आप यहाँ से कोई प्रोडक्ट नहीं मिलती तो उनकी सब कैटेगरीज में जाओ, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। आप हैंड ड्रायर्स में जाओ, वहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। किसी भी एक प्रोडक्ट को उठाओ जो आपको अच्छी लग रही है या नहीं भी लग रही, आपको कीवर्ड आइडियाज चाहिए ना उससे एसोसिएटेड, आप इसको ओपन करो, इसका एसिन कॉपी करके सारीब्रो में पेस्ट कर दो, और सारीब्रो में पेस्ट करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएंगे उसको आप सर्च वॉल्यूम मिनिमम 1800 करो और अप्लाई कर दो, तो आपके पास यहाँ पे हजारों रिजल्ट्स भी आएंगे बहुत सारे कीवर्ड्स के। तो आप वहाँ से आइडियाज लेके सर्च करो अमेजोन पे, आपको अच्छी प्रोडक्ट मिल जाएगी। सो मैंने आपको दो आइडियाज बताए हैं, इन्हीं दो आइडियाज से आपको इजीली किसी एक के भी वर्क करके आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, ठीक है। और थर्ड वन जो है, लुक एट एनी प्रोडक्ट ऑन अमेजोन एंड गो थ्रू देयर रिव्यूज, ठीक है। ये मेथड क्या है जी, दोबारा बेस्ट सेलर्स में जाते हैं या वैसे ही किसी रैंडम प्रोडक्ट में चले जाते हैं ना, बेस्ट सेलर में नहीं जाते। मैं कहता हूँ आइसक्रीम स्कूप, मैंने सर्च किया, ये प्रोडक्ट मेरे सामने आई, इसके पास लेट्स से इसके पास 9637 रिव्यूज है, मैं इसको क्लिक करके ओपन करूंगा, मैं इसके रिव्यूज पे जाऊंगा, रिव्यूज इसके यहाँ पे 6637 इसकी रेटिंग है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, मुझे रिव्यू जो इसका पोर्शन है उसमें ले जाएगा। ये फेरिडा मॉरिसन के नाम से है कोई बंदी, ये नो नॉनसेंस के नाम से है कोई, डेव डेनिस के नाम से है। मैं सिंपल इसके यूजर नेम पे क्लिक करूंगा जिसने रिव्यू दिया हुआ है, तो मुझे इसकी प्रोफाइल पे ले जाएगा कि इसने कौन कौन सी प्रोडक्ट खरीदी है या उस पर रिव्यू किया हुआ है, मुझे वहाँ से भी प्रोडक्ट के आइडियाज मिल जाएंगे। जैसे ये बंदी है, इसने 145 रिव्यूज दिए हुए ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ब्लूटूथ रिकॉर्ड प्लेयर पर इसने दिया हुआ है, फ्लैश स्पीड मप पे दिया हुआ है, वुड विक लार्ज होल ग्लासेस सेंटेड कैंडल पे दिया हुआ है, ये कोई टॉयज हैं बच्चों के उस पर दिया हुआ है, इंसुलेटेड रीयूजेबल ग्रॉसरी शॉपिंग बैग्स पे इसने दिया हुआ है। अभी मेरे पास ओपन हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल एसिन कॉपी करूँगा इसका कीवर्ड लेने के लिए, ठीक है। कीवर्ड लेने के लिए, अगर तुम्हें कीवर्ड पता है कि इंसुलेटेड रीयूजेबल ग्रॉसरी शॉपिंग बैग है तो मैं सर्च करूँगा, अगर मैच करता है इसका क्राइटेरिया तो पिक कर लूँगा, अगर नहीं पता तो इसको मैंने एसिन कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट करके सर्च करूंगा, कीवर्ड स्कोर में ये रिजल्ट्स दिखा देगा, अगर नहीं दिखाता तो वही चीज सेरिब्रो पे जाऊंगा और पेस्ट करूंगा और गेट कीवर्ड्स पे क्लिक कर दूंगा। जंगल स्काउट ने दिखा दिए हैं बट नॉट दैट गुड, ठीक है। हम सेरिब्रो पे देखते हैं, इसको बंद करते हैं। सेरिब्रो ने 609 कीवर्ड्स दिखा दिए, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम करूंगा, अप्लाई करूंगा, 43 कीवर्ड्स इसने दिखा दिए जिनका सर्च वॉल्यूम 1800 से ज्यादा है। कूल बैग, ग्रोसरी, फूड शॉपिंग, लॉज कूल बैग लॉज, रीयूजेबल फ्रीजर बैग्स, कूलर बैग, शॉपिंग बैग, ग्रोसरी फूड, अपराइट फ्रीजर्स, बूट बैग, आइस पैक फॉर कूल बैग, शॉपिंग ट्रॉली बैग। मैं इनको सर्च करूंगा अमेजोन पे और देखूंगा अगर मेरे क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं तो पिक कर लूंगा, अगर नहीं कर रहे तो रहने दूंगा। मैंने ये प्रोडक्ट खोली थी, यहाँ पे भी रेटिंग्स हैं, 2454 रिव्यू जिसको भी मिले हुए हैं। मैं मिसेस पैमिला रेडली जो रिव्यूअर है इसको ओपन कर लेता हूँ और ये देखता हूँ इसने कितने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, कितने पे रिव्यू दिया है, तो वहाँ से भी मुझे प्रोडक्ट्स के आइडियाज मिल जाएंगे कि ये प्रोडक्ट्स भी हैं अमेजोन पे। नाउ शी हैव डन 81 रिव्यूज, ठीक है। ये है स्प्रिंग फ्रेंड्स और ये कोई इसने खरीदा है, इसने ये पैका टेप खरीदी है, एक लिए टेप रोल्स के इसने खरीदे हैं, और इसने चेन नेकलेस खरीदा है, गार्डन होज जिसने खरीदा है, मैं इसको भी ओपन कर सकता हूँ, इसको ओपन करके चेक करूंगा, अगर ये मैच कर रहा है मेरे क्राइटेरिया को तो ठीक है, अदरवाइज इसको भी छोड़ दूंगा। इस तरह के करोड़ों बल्कि अरबों रिव्यूज हैं अमेजोन पे, आप किसी भी रिव्यूअर को ओपन करके चेक कर सकते हो कौन कौन सी प्रोडक्ट पे उसने रिव्यू किया हुआ है, उस प्रोडक्ट को ओपन करो, अगर कीवर्ड आपको पता है कि मुझे तो पता है कीवर्ड गार्डन होज होगा, अगर आपको नहीं पता तो सिंपल उसका एसिन कॉपी करो, सेरिब्रो में जाके पेस्ट कर दो, सेरिब्रो आपको उसका कीवर्ड का भी, इस प्रोडक्ट का स्पेसिफिक कीवर्ड भी दिखा देगा और उससे एसोसिएटेड कीवर्ड्स भी दिखा देगा
जो आपको जो आप अमेजोन पे सर्च कर सकते हो, तो आपको वहां से भी लाखों आइडियाज मिल जाएंगे। सो दैट वॉज द थर्ड मैथड। फोर्थ मैथड कौन सा है जी? द इजिएस्ट एंड पॉपुलर वे इज यूजिंग वेब ऐप और सॉफ्टवेयर जंगल स्काउट, हीलियम 10, ब्लॉक बॉक्स और ईग्रो वगैरह। ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। सिंपल हर जो टूल होती है प्रोडक्ट हंटिंग वाली, उनके फिल्टर्स होते हैं, ठीक है? तो आप फिल्टर्स लगाओ, उसको फिल्टर्स में स्पेसिफिक ना करो। अगर आप स्पेसिफिक करोगे तो आपको बहुत नैरो रिजल्ट मिलेंगे। हमें ब्रॉड रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, ज्यादा से ज्यादा आइडियाज चाहिए होते हैं जिनको हम जाके सर्च कर सकें, जो हमारे क्राइटेरिया को मैच करेंगे। बिकॉज हम टूल्स के क्राइटेरिया पे नहीं जा रहे, हम अपने क्राइटेरिया पे जा रहे हैं। तो हीलियम 10 का टूल मैं दिखा देता हूँ प्रोडक्ट रिसर्च के नाम से, यहाँ पे आपके पास है। इस पर क्लिक करोगे, ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको कीवर्ड आइडियाज चाहिए ना, तो आप कीवर्ड्स पे क्लिक करोगे। यहाँ से मार्केट चूज करोगे, कौन सी, हम यूके की कर रहे हैं तो मैं सर्च वॉल्यूम का दे दूंगा। मैं बोलूंगा मुझे ऐसे कीवर्ड के आइडियाज दो जिनका सर्च वॉल्यूम 1800 से ज्यादा हो, और बाकी वर्ड काउंट मैं दे देता हूँ 2 से 4। वर्ड काउंट क्या होते हैं कि कीवर्ड के कितने वर्ड्स हो, मतलब अगर एक वर्ड हो वो कभी भी किसी बंदे की ना स्पेसिफिक नहीं बयान कर सकता नीट को। मतलब एक बंदा बैम्बू लिख दे तो हमें नहीं पता चलेगा उसको बैम्बू का क्या चाहिए। अगर वो बैम्बू टूथब्रश लिखेगा या बैम्बू ग्लास लिखेगा तो मुझे पता चलेगा कि उसकी जो नीड है उसको ग्लास चाहिए बैम्बू के। तो कीवर्ड हमेशा मिनिमम 2 वर्ड्स का होता है और मैक्सिमम 4 का हम कहते हैं हो जाए। बिकॉज जो बायर बिहेवियर है अमेजोन पे, जो अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स होते हैं वो 2 से 4 के दरमियान ही होते हैं। तो मैंने वर्ड काउंट में 2 से 4 कर दिया, सर्च वॉल्यूम 1800 दे दिया मिनिमम, और साइज मैं दे देता हूँ स्टैंडर्ड। मुझे लार्ज साइज प्रोडक्ट्स का दिखाओ, उनकी अमेजोन स्पेशल फीसिस चार्ज करता है। यहाँ से कैटेगरी चूज करूंगा अपनी मर्जी की, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, और सर्च पे क्लिक कर दूंगा। मुझे बहुत ज्यादा आइडियाज दे देगा, 200 प्लस उसने आइडियाज दे दिया मुझे। बाइक कवर वाटर प्रूफ आउटडोर एक कीवर्ड है, आउटडोर रिवोल्यूशन है, थर्मल वाटर बॉटल है, बैंड जिम है, कॉपर वाटर बॉटल है, गल्फ अम्ब्रेला होल्डर है, ट्रेवल जॉन है, स्विमिंग फ्लोट्स अडल्ट की है, कैंपिंग टॉवल है। मैंने करना क्या है, कॉपी करना है, और यहाँ पे आके हमेशा हमने ऑल रखना होता है बिकॉज हम ऑल डिपार्टमेंट्स में चेक करना चाहते हैं। और यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, मेरे पास रिजल्ट आ गया कैंपिंग ट्रैवल का, 30,000 लोग सेल कर रहे हैं इसको, ये इनका आइडिया है। और मैं इसको सिंपल जंगल स्काउट रन करूँगा तो मुझे दिखा देगा कि कैंपिंग ट्रैवल्स के जो लोग सेल कर रहे हैं वो कितना सेल कर रहे हैं। तो हमारा जो क्राइटेरिया आप लोगों के साथ शेयर्ड है, जो आपका अपना क्राइटेरिया है, आप उससे मैच करोगे। इफ इट मैचेस योर क्राइटेरिया दैट विल बी योर विनिंग प्रोडक्ट। अगर नहीं है तो यहाँ पे सिंपल दोबारा आके चेक करो और यहाँ से कैटेगरी चेंज कर लो, आपको दूसरी कैटेगरीज के लिए बता देगा। अदरवाइज आप कहते हो मुझे प्रोडक्ट्स के आइडियाज दिखाओ, मैं उसके अंदर से खुद ही कीवर्ड्स पिक कर लूंगा। आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करो, यहाँ से इसको बता दो मुझे कौन सी कैटेगरी की प्रोडक्ट्स दिखाओ। आप कह दो मुझे होम एंड किचन की दिखा दो, तो यहाँ से मैं होम एंड किचन चूज करूंगा। ऐसी प्रोडक्ट जिसकी प्राइस चल रही हो 10 की प्रोडक्ट प्राइस हो 10 से लेके 20 के दरमियान, ठीक है, साइज उसका स्टैंडर्ड हो, रेवेन्यू मैं कहता हूँ कम से कम 5,000 पाउंड बना रही हो, और सर्च पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे दिखाएगा होम एंड किचन में 200 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, ये है एक, और जी नीचे आते जाओ पा पेट्रोल ब्राइट सिंगल, ये है जी कॉटन वुवन थ्रो व लार्ज पिलो है, हैंड हेल्ड इलेक्ट्रिक USB फैंस हैं। अब मैं सारे चेक कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने अब इसमें देखना है कि मेरी स्पेस है इस नीच में या नहीं है। अगर मैं पिक करता हूँ यार ये वाली, चलो जिप लॉक स्टैंड अप बैग्स हैं, ठीक है, मैं इसको ओपन करूंगा। अब मुझे इसका कीवर्ड नहीं पता क्या है जिसको मैं अमेजोन पर सर्च करूं, तो कीवर्ड्स का आप लोगों को मैंने जब जिक्र किया था आपको पता चल जाना चाहिए कि कीवर्ड कैसे पता चलते हैं। एसिन कॉपी किया, सेरिब्रो में गए और जाके पेस्ट कर दिया, या जंगल स्काउट के कीवर्ड स्काउट में गए, इफ दैट इज वर्किंग फाइन, मार्केट चूज की और जाके पेस्ट कर दिया, गेट कीवर्ड्स पे क्लिक किया। आपको इस प्रोडक्ट के कीवर्ड भी दिखा देगा और आपको दिखा देगा साथ ही एसोसिएटेड कीवर्ड्स आइडियाज भी, जो आप सर्च कर सकते हो। कीवर्ड हमेशा टाइटल में यूज किया हुआ होता है सेलर ने, दिस इज अ मेजर थिंग कि आप टाइटल में अपना मेन कीवर्ड लाजमी यूज करते हो। बट हमें नहीं पता जिप लॉक स्टैंड अप बैग्स असली कीवर्ड है या स्टैंड अप बैग्स असली कीवर्ड है या पाउचेस विद नॉच एंड मेटल विंडोज का असली कीवर्ड है। तो मैंने इसको कंफर्म करने के लिए ना साइब्रो में ऐड किया और जो आएगा इसको हाई टू लो सर्च वॉल्यूम किया सॉर्ट, 4,808 रिजल्ट उसने मुझे दिखा दिए, ठीक है। अब रैपिंग पेपर है, फ्रिज बीन बैग्स है, प्लास्टिक कप्स है, पेपर बैग्स, डेट कुड बी हिज कीवर्ड, नहीं इसने जिप लॉग स्टैंड अप बैग्स यूज किया हुआ है।
तो ये भी हम चेक कर सकते हैं। प्लास्टिक कप्स भी कीवर्ड आ गया, बीन बैग्स, इसको भी सर्च करेंगे अमेज़न पे, इफ वर्किंग फाइन, बीन बैग, पैकिंग बॉक्सेस, बिन बैग्स, गिफ्ट बैग, फ्रीजर ब्लॉक्स, कॉफी बैग्स, कंपोजिट बिन, फ्रीजर बैग, स्वीट गिफ्ट बॉक्स, ब्राउन पेपर बैग्स कुड बी कीवर्ड। तो आप इसको सर्च करोगे अमेज़न पे और अपने क्राइटेरिया से मैच करोगे, अगर वहाँ पे आपको अपने लिए रूम नज़र आ रहा है, लाइक रिव्यूज भी अच्छे हैं, प्राइस भी अच्छी है, रेवेन्यू भी अच्छा है, तो आप वो प्रोडक्ट को पिक कर लोगे अगर वो क्राइटेरिया मैच कर लिया। फिफ्थ मेथड कौन सा जी? फिफ्थ मेथड है गो थ्रू डील्स वेबसाइट्स। अमेजोन पे लोग जब प्रोडक्ट लॉन्चेस करते हैं या सेल वेलोसिटी बनाना चाहते हैं तो वो डील्स वेबसाइट्स यूज करते हैं। डील वेबसाइट मतलब जंप सेंड है, रिबेट की है, जोन जंप, इस तरह की बहुत सारी डील्स की वेबसाइट्स हैं। वहाँ पे सिंपल सेलर्स जाके अपनी वेब लगा देते हैं प्रोडक्ट्स, और उनके पास कम्युनिटी होती है डील्स वेबसाइट के पास जो प्रोडक्ट्स खरीदती है। तो सेलर का क्या फ़ायदा होता है, उसको सेल वेलोसिटी मिल जाती है, उसको बायर ढूंढने नहीं पड़ते, बिकॉज इन डील वेबसाइट्स के पास कम्युनिटी होती है जो हर वक्त रेडी होती है चीज़ें डिस्काउंट पे परचेज करने के लिए। तो आपको वहाँ से भी आइडियाज हो जाता है कि अमेजोन के सेलर्स क्या चीज़ें बेच रहे हैं, तो आप वो भी अमेजोन पे सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल rebatekey.com एक डील वेबसाइट है, बहुत फेमस है। यहाँ पे आप आओगे नीचे तो आपके पास डील्स शो हो रही हैं, ये देखें, इम्यून बूस्टर स्पोर्ट्स सप्लीमेंट, बॉडी बटर, कटिंग बोर्ड, प्लास्टिक, हाइलुरोनिक एसिड, फ्लॉट एक्रेलिक, पिक्चर हैं, फ्रेम्स हैं, बूट हैं। अब नीचे आप आओ, यहाँ पे आपके पास है सी ऑल ऑप्शन, कूपन्स कर लो, सी ऑल डील्स कर लो, तो आपके पास हर चीज़ शो कर रहा है कैटेगरी वाइज। सेल फोन के रिलेटेड चाहिए तो क्लिक करोगे, डील्स शो नहीं हो जाएंगी। स्पोर्टिंग्स चाहिए, होम एंड किचन चाहिए, मैं होम एंड किचन पर क्लिक करता हूँ, अपने सारी डील्स शो करने शुरू कर देगा होम एंड किचन की, ये डील्स लगी हैं। ये बंदा सॉल्ट बाथरूम रग्स बेच रहा है अमेजोन पे, पर्पल ओम्बर शीट बेच रहा है, ये ऑटोमेटिक फोमिंग हैंड सोप जो डिस्पेंसर है वो बेच रहा है, ये बंदा स्टेनड ग्लास हेलोविन पम्पकिन बेच रहा है, और इसी तरह बहुत सी चीज़ें बिक रही हैं। मैं क्लिक करता हूँ, ये डॉग ट्रीट सिलिकॉन का जो होता है, डॉग्स का ट्रीट मोल्ड होता है, ये बेच रहा है। तो सिंपल मैं आइडिया मुझे मिल गया, मैं अमेजोन पे जाके सर्च करूँगा, अगर ये चीज़ मुझे क्राइटेरिया को मैच कर दिया तो पिक कर लूँगा, अदरवाइज छोड़ दूंगा, वापस आ जाऊँगा। यहाँ पे हज़ारों आइडियाज़ है मेरे पास, ठीक है। आप सिंपल जाके कैटेगरी चूज करो, मुझे आइडियाज दिखा दो जो सेलर्स ने लगाई हुई हैं स्पोर्टिंग गुड्स से रिलेटेड, और सर्च कर लो। तो यहाँ पे आपके पास आ गए हैं यार, ये शूज़ हैं, ये योगा व्हील है, ये वो जैकेट्स वगैरह हैं, ये वाटर बॉटल इंसुलेटेड, ये पोर्टेबल कोई पिल्लो आई थिंक, और इस तरह के बहुत सारे आइडियाज़ आपके पास आ गए हैं। आप इसी तरह की जंप सेंड के नाम से टूल, जंप सेंड के नाम से डील्स वाली वेबसाइट है, रिबेट की है, और भी बहुत ज़्यादा है, आप गूगल करेंगे आपके पास आ जाएंगे। मैंने सी ऑल रिबेट्स पे क्लिक किया तो मेरे पास बहुत ज़्यादा इसने आइडियाज़ दिखा दिए। ये पोस्टर करेक्टर बेच रहे बंदा, इसको चेक कर सकता हूँ मैं। ये बंदा डिफ्यूज़र बेच रहा है, कार डिफ्यूज़र बेच रहा है, ये सप्लीमेंट्स बेच रहा है, ये वाटरिंग कैन बेच रहा है इनडोर। तो मैं सिंपल जाके इनको सर्च करूँगा अमेजोन पे, अगर मुझे नहीं पता कि इसको अमेजोन पे किस नाम से सर्च किया जा रहा है, तो कीवर्ड रिसर्च टूल इसीलिए है ना, कीवर्ड रिसर्च पे जाओ, कीवर्ड रिसर्च पे जाओ, मैग्नेट पे क्लिक करो। अब इसका नाम तो मुझे पता ना यार, इसका नाम यहाँ पे क्या लिखा है, वाटरिंग कैन लिखा हुआ है ना इस बंदे ने, वाटरिंग कैन इनडोर लिखा हुआ है, मैं इसको वाटरिंग कैन इनडोर को कॉपी करूँगा और मैग्नेट पे जाके मार्केट चूज करके सर्च करूँगा, तो पता चल जाएगा कि यार ये प्रोडक्ट को किस कीवर्ड से अमेजोन पे सर्च किया जा रहा है। तो जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा होगा मैं उसको पिक कर लूँगा और उसको अमेजोन पे जाके सर्च करूँगा, अगर वो मेरे क्राइटेरिया को मैच कर रही है तो गुड टू गो, अगर नहीं कर रही तो छोड़ के मैं किसी और पर चला जाऊँगा। मेरे पास रिजल्ट आ गया, वाटरिंग कैन इनडोर को 5151 लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब 168 दिस इज समथिंग लुकिंग गुड टू मी, वाटरिंग कैन इनडोर, इसको मैं अब और कीवर्ड भी उसने दिखा लिया, ठीक है, प्लांट पॉट, वाटरिंग कैन, गार्डनिंग स्प्रिंकलर, इनके भी अच्छे सर्च वाल दिया। मैंने वाटरिंग कैन इनडोर देखा था, उसको 5000 लोग सर्च कर रहे हैं, तो मतलब दिस इज मैचिंग माई सर्च वॉल्यूम्स क्राइटेरिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल अमेजोन पे आऊँगा, यहाँ पे आके वाटरिंग कैन इनडोर लिख के सर्च करूँगा और जो रिजल्ट मेरे पास आएगा उसको सिंपल जंगल स्काउट रन कर दूंगा। तो जो आइडिया मेरे पास आया मैंने उसको मैग्नेट में जाके सर्च किया कि इससे कीवर्ड क्या है, तो उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, उससे एसोसिएटेड कीवर्ड भी मुझे मिल गए हैं, मैं इनको कॉपी करके भी सर्च कर सकता हूँ अगर मेरे क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट जो है, व्हेन एवर यू फाइंड एनी वर्ड शॉर्ट लिस्टिंग प्रोडक्ट, क्लिक ऑन द सेलर स्टोर नेम एंड लुक थ्रू देयर प्रोडक्ट्स। आप सेलर्स के स्टोर्स पे जाओ और देखो वो क्या क्या बेच रहे हैं,
और कैसी वर्थ है जिन चीजों का वो बेच रहे हैं, आप वो हाँ से भी आपको आइडियाज मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बेस्ट सेलर्स पे गया था ना, बेस्ट सेलर्स पे दोबारा जाता हूँ, बेस्ट सेलर्स मैं स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स के बेस्ट सेलर्स में जाता हूँ। ये बंदा है अगर एक, ठीक है, इसकी ये प्रोडक्ट बिक रही है, ये इसका विजिट था लोन, ये इसका नाम है यहाँ पे, ठीक है, स्टोर का नाम है, प्रोडक्ट पेज पे शो हो रहा है, मैं सिंपल इसके स्टोर पे क्लिक करूंगा, देखूंगा ये बंदा क्या क्या बेच रहा है, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा ये चीजें भी बेच रहा है, मैं इनको भी चेक कर सकता हूँ। अभी आप देख सकते हो ये बंदा यहाँ पे क्या क्या बेच रहा है जी, वाटर बॉटल्स बेच रहा है, डिफरेंट कलर्स की वाटर बॉटल्स बेच रहा है, इसके अलावा भी कुछ बेच रहा है कि नहीं, ये बंदा फिलहाल वाटर बॉटल्स बेच रहा है, मैं किसी और को ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये बंदा रेजिस्टेंस बैंड वाला, इसका मैं ब्रांड नेम ग्रीटिन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा, अब ग्रीटिन क्या क्या बेच रहा है, ग्रीटिन बेच रहा है जी, स्किपिंग रोप बेच रहा है, यूएसबी केबल्स बेच रहा है, इस तरह के रेजिस्टेंस बैंड बेच रहा है, इस तरह के लूप बैंड बेच रहा है, और ये स्टैंड बेच माउंट बेच रहा है आई थिंक, हाँ फोन स्टैंड बेच रहा है, डिफरेंट किस्म की यूएसबी बेच रहा है, ये बेच रहा है, मैजिक क्यूब बेच रहा है, तो मेरे पास ये आइडियाज आ गए हैं। अब इनमें से इसकी अच्छी अच्छी चीज़ें कौन सी बिक रही हैं, मैं जंगल स्काउट इस पेज पर आके रन करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इस बंदे की ये चीज़ें अच्छी बिक रही हैं, मैं उनको भी चेक कर सकता हूँ इफ़ दो आर मैचिंग माई क्राइटेरिया। ये देखें जी इस बंदे की ग्रीटिन की आईफोन चार्जर जो बिक रहा है 35,000 pounds अर्न कर रहा है, बट रिव्यूज ज्यादा है, ये इसकी प्रोडक्ट है 34 रिव्यूज के साथ, कौन सी वाली थी जी, 47 रिव्यूज के साथ एक है, ये 101 रिव्यूज के साथ, 102 रिव्यूज के साथ जो है रेजिस्टेंस बैंड बेच रहा है, तो मैं करूंगा सिंपल रेजिस्टेंस बैंड जाके सर्च करूंगा, और अगर वो क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं तो पिक कर लूंगा, अदरवाइज रहने दूंगा। अगर कीवर्ड नहीं मिल रहा किसी प्रोडक्ट का तो सिंपल उसका एसिन कॉपी करके मैं सारी ब्रो में जाऊंगा और दे दूंगा, मुझे उस कि प्रोडक्ट के कीवर्ड भी मिल जाएंगे और उससे एसोसिएटेड कीवर्ड भी मिल जाएंगे, जिनको मैं सर्च करूंगा और जंगल स्काउट रन करूंगा, इफ मैचिंग माय क्राइटेरिया आई विल पिक इट, इफ नॉट आई विल लीव इट। तो ये 6 के 6 मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं मेथड्स। अभी मैं नहीं सुनना चाहता कि आप लोग बोलेंगे कि मुझे प्रोडक्ट्स के आइडियाज ही नहीं मिलते, यू नीड टू हैव पेशेंस, आप लोग पेशेंस रखोगे, मुझे 4 साल हो गए प्रोडक्ट्स हंटिंग करते करते, आई डोंट से आई एम परफेक्ट, ठीक है, कोई नो बडी इज परफेक्ट, आपको टाइम लगता है, पैसे कमाना आसान नहीं है, यू नीड टू स्पेंड टाइम, यू नीड टू आपको डिस्कवर करने पड़ेंगे न्यू आइडियाज, ठीक है, लकीर का फकीर नहीं बनना, आपको जो चीज़ कहते हैं ट्रक की बत्ती मगर लगा दें, मैंने आपको ये चीज़ दिखाई है, इसमें से आपको आइडियाज मिलते हैं या न्यू चीज़ें भी मिलती हैं, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करें। आई लव टू शेयर माई नॉलेज वट एवर आई डिस्कवर, वट एवर आई लाइक, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं शेयर कर देता हूँ सबके साथ, आप लोग भी शेयर किया करें ताकि सबका फायदा हो। तो डेट्स इट, वीडियो काफ़ी लंबी हो गया बट मैंने 6 के 6 मैटर्स यूज़ करने थे, होपफुली अब प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड कोई बंदा कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा, क्राइटेरिया के क्वेश्चन होंगे, इन 6 मैटर्स के भी होंगे, ये मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और प्लस क्राइटेरिया भी ऐड कर दूंगा, ठीक है, डोंट नीड टू वरी अबाउट दीज थिंग्स एंड हैप्पी हंटिंग, जजाकअल्लाह।